सदाए हक कश्मीर न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ इमरान अब्बासी। रावलाकोट में तालबा से इज्तमाई ज़्यादती की वहशियाना वारदात, कोरोना का अजाब इलाही भी बदकारों को राय रास्त पर ना ला सका। इस खबर की तफसील से कबल नए आने वाले नाज़रीन को बता चलूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। कोरोना का अजाब इलाही भी बदकार नौजवानों को राय रास्त पर ना ला सका। आज़ाद कश्मीर के शहर रावलाकोट के नवाई गांव हुसैन कोट में उबाश जवानों ने 10वीं जमात की तालबा को ज़बरदस्ती खेतों में ले जाकर ज़्यादती की और बरहना वीडियो बनाई। धमकियां दी कि किसी कानून नाफज करने वाले इदारे या पुलिस को बताया गया तो आपकी वीडियो भी शेयर की जाएंगी। थाना पुलिस रावलाकोट ने मुलजमान के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर ली और मुलजमान के खिलाफ घेराव तंग करते हुए एक शैतान सिफ्त अदनान सलीम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। FIR के मुताबिक मुलजमान में हमाद मंजूर, शुएब शफायत भी शामिल हैं। अवामी हलकों ने मुलजमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए उन्हें करार वाकई सजा देने का मुतालबा किया है। ज़राए के मुताबिक रावलाकोट के नवाई गाँव हुसैन कोट में रेप केस में मुस्लिम लीग नून के यूनियन काउंसिल हुसैन कोट के सदर सरदार मंजूर का बेटा भी मतलूब है। मुजरमों के वर्सा सियासी असर सूख इस्तेमाल करके पुलिस के काम में मुदाखलत कर रहे हैं। इतलात के मुताबिक इस वक्त पुलिस फोर्स हुसैन कोट में मुजरमों के घर मौजूद है, जबकि रावलाकोट की बासर शख्सियात पुलिस पर दबाव डाल रही हैं कि ऑपरेशन ख़त्म किया जाए, रावलाकोट में बैठ कर मामला तय किए जाएँ। लड़की के घर वालों को भी दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। हम वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर, IG आज़ाद कश्मीर और मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा करते हैं कि मुजरमान को फिल फोर गिरफ्तार किया जाए।